तो गाइस आप देख सकते हो पूरा 100 ml पेट्रोल हमने ले लिया है इसके अंदर में, और जो माइलेज टेस्ट होगा वो होगा हमारा सिटी के अंदर में विद पिलियन। पेट्रोल जो है हमारा इसके अंदर में खत्म हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो ज्यादा देर चलने वाली है। और भाई 350 cc का इंजन है, 19.8 bhp क्रिएट करती है और 28 nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो इस हिसाब से बाइक की माइलेज, परफॉर्मेंस, लुक्स, एवरीथिंग इज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, मैं हूं आपका उलझन दोस्त हर्षानी। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे और मजे में होगे। और भाई आज की वीडियो का जो थंबनेल टाइटल है ना, मुझे पर्सनली ये वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था भाई ऑलमोस्ट बाइक के 2 साल बाद बाइक कितनी माइलेज दे रही है, 33, 35, 28, 29 कितनी माइलेज आ रही है। भाई पेट्रोल का प्राइस तो इस मतलब लेंस के ऊपर निकल चुका है, लेकिन हमें जानना है हमारी बॉस कितना देती है। बाइक का मॉडल बता दूं तो रॉयल एनफील्ड बुलेट X50ES BS4 मॉडल है। माइलेज टेस्ट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ये है भाई हमारा माइलेज टेस्ट रिकॉर्ड करने का एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, बेसिकली कार्बोरेटर का काम करता है। इसके अंदर में हम 100 ml पेट्रोल डालेंगे एंड 100 ml पेट्रोल को हम कार्बोरेटर से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में जितनी चलेगी इंटू 10 कर देंगे तो हमारी 1 लीटर की माइलेज निकल आएगी कि हमारी बाइक कितनी चल रही है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर में। और फिर वही एक एवरेज, मतलब इससे ज़्यादा एग्जैक्ट तरीका आई डोंट थिंक सो कोई भी अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर में। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस बाइक चल चुकी है 6909.3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर। ये है बाइक की अपनी कंडीशन। कार्बोरेटर का सारा पहले पेट्रोल फिनिश करेंगे, उसके बाद हम वो वाला पेट्रोल यूज करेंगे। तो जैसा जैसा होगा आपको पता लग ही जाएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी के अभी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए आगे लेके आता रहूं। तो गाइस ये हमारी बाइक का कार्बोरेटर एंड कार्बोरेटर के फ्यूल को हम कर देंगे ऑफ पे। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो ये हमारा कंटेनर एंड इसके अंदर अब हम पेट्रोल को कर देंगे ऑन और 100 ml ले लेंगे। 50 होने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो पूरा 100 ml पेट्रोल हमने ले लिया है इसके अंदर में, और इसके जो नॉब है हमने इसको ऑफ रखा है, फिर हम इसको कार्बोरेटर में जोड़ के ऑन करेंगे। सो गाइस मैंने बाइक को डिस्कनेक्ट कर दिया कार्बोरेटर से एंड अभी जो हम सारा का सारा जो कार्बोरेटर के अंदर में थोड़ा बहुत फ्यूल होता है उसको ख़त्म होने देंगे। बाइक को कर देता हूँ मैं ऑन। पर्सनली अभी मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि मेरी बाइक की माइलेज आएगी कितनी। एक छोटा सा गैस ले लेते हैं, मुझे लगता है अराउंड 31 की माइलेज आनी चाहिए, बाकी वीडियो के एंड में पता लग ही जाएगा। लास्ट टाइम जब हमने माइलेज टेस्ट करा था तब अपने पास GoPro नहीं था, तो मैंने कैमरा जैसे जैसे करके अपने फ्रेंड को रिकॉर्ड करवाया था, टफ टाइम्स। लेकिन आज हमारे पास GoPro Hero 8 Black है, तो उसके थ्रू हम थोड़ा सा मोटो व्लॉग करेंगे एंड देन आपको दिखाऊंगा कितनी माइलेज आ रही है। गाइस बाइक अभी ऑटोमेटिकली बंद हो गई है, एक बार मैं दोबारा से सेल्फ स्टार्ट दे देता हूँ। बाइक ऑन नहीं हो रही है, पेट्रोल आप देख लो, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा यहाँ पे। ये रही हमारी कार्बोरेटर की वायर और ये रहा हमारा पेट्रोल की वायर। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे एंड देन बाइक को चलाएंगे। देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अब यहाँ से हम पेट्रोल को कर देते हैं भाई साहब ऑन। ये देखो पेट्रोल लाना शुरू हो चुका है। सो गाइस बाइक हो चुकी है फुली रेडी एंड अब हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे अपनी बाइक की टेस्ट राइड करने के लिए और इसको चलाने के, इसका माइलेज टेस्ट देखने के लिए। और बाइक चल चुकी है 6909 किलोमीटर, यानी कि 6909.4 किलोमीटर, क्योंकि 3 और 4 के बीच में है तो हम इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है 6909 किलोमीटर। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड पेट्रोल यहाँ से मैंने ऑन कर दिया और बाइक ऑन हो चुकी है पेट्रोल के जाते सारी। एंड मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को अनकट फुटेज ही दूं, और जो माइलेज टेस्ट होगा वो होगा हमारा सिटी के अंदर में विद पिलियन एंड पिलियन के साथ में कितनी माइलेज निकल के आती है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल माइलेज ही होगी। तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं अकेले कर रहा हूं एंड आप मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको हिसाब किताब पूरा मिलेगा। खाली जगह मिलना आप सब लोग जानते हो कितना मुश्किल हो रखा है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ में और मेन रोड के ऊपर में हम टेस्टिंग करते हैं। बिल्कुल एवरेज स्पीड रखेंगे 40-60 की, ना ज़्यादा ना कम। तो अभी जो ये बिल्कुल पेट्रोल के अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि प्रेशर मतलब ऊपर से नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने अपने दोस्त को भी जो पकड़ा रखा है ताकि प्रेशर इसके अंदर जो है बना रहे और माइलेज हमें एग्जैक्ट मिले। तो भाई देख रहे हो वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो भाई इस वीडियो के लिए, इस चीज़ के लिए लाइक कर देना अभी के अभी। और अभी बाइक चल चुकी है 6909.7 किलोमीटर, तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है अभी चलेगी अराउंड 3 किलोमीटर करीब और, एंड स्पीड में अपनी रखूंगा भाई 40-60 के बीच में। अभी बाहर जाके थोड़ा और ज़्यादा हमें थोड़ा रियलिटी चेकअप हो जाएगा। इसी जगह पे मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो जो है वो भी यहीं पे बनाई थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो वीडियो भी देखो, आई बटन में यहाँ कहीं पे लिंक आ रहा होगा। एंड आई होप ऑडियो अच्छा आ रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो है इसके अंदर में चेंजेस करे हैं एंड उस चेंजेस के बाद में उम्मीद करते हैं कि ऑडियो अच्छा कैप्चर हो रहा होगा, वरना वॉइस ओवर जिंदाबाद।
बाइक चल चुकी है 6910 किलोमीटर, उम्मीद जा रही है, बाइक भी अभी जा रही है, चलो चलते हैं। एंड मैं अभी सोच रहा हूँ कि बाइक के अंदर में कुछ किलर मॉडिफिकेशंस करी जाए, ऐसी मॉडिफिकेशंस जो शायद ही किसी ने करी हो। तो अगर देखना चाहते हो तो भाई कमेंट करके बताना, काफ़ी क्रेजी और काफ़ी फंकी आइडियाज मेरे माइंड के अंदर में हैं। तो आप सब लोग सोच लिखते हो हर्ष भाई का दिमाग कैसा चल रहा होगा अभी फॉर द टाइम बिंग और कॉन्टेंट मज़ेदार आने वाला है, मतलब बहुत कुछ सोचा हुआ है। बस आप सब लोग अपना प्यार दिखाओ, कमेंट करो, और अगर आप इस वीडियो के ऊपर में 1000 लाइक्स कर दोगे तो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब अलग स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। मैं अभी बता नहीं सकता हूँ वो क्या वीडियो है, चलो एक हिंट दे देता हूँ, बूम 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 से रिलेटेड है। तो अब वो चीज़ क्या है थोड़ा आप खुद लोग दिमाग लगाओ, 1000 लाइक्स कंप्लीट करा दोगे तो पक्की बात है वो वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो बाइक चल चुकी है 6911 किलोमीटर और पेट्रोल जो है हमारा इसके अंदर में ख़त्म हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा देर चलने वाली है और बाइक, तो अभी इसको पकड़ा देते हैं हम पीछे और चलते हैं आगे। थोड़ा सा बाइक को पुश भी कर लेते हैं, रफ भी चला लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि जो बाइक है मैं थोड़ी रफ ही चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाइक बहुत धीरे चलाता हूँ या एक ही एवरेज स्पीड पे चलाता हूँ, भाई मेरे को अगर मन करता है तो मैं 80 पे भी चलाता हूँ, मेरे को अगर मन करता है तो मैं 20 पे भी चलाता हूँ, तो मिक्स यूसेज है। अगर आप एक यंगस्टर हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट माइलेज ही आएगी आपके हिसाब से। एंड आपके लिए जो है बाइक जो है मिस मारना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर जो है बाइक ने मिस मारना बिल्कुल शुरू कर दिया है और फुल थ्रॉटल है। देखो पूरी मैंने भी फुल थ्रॉटल दिया और ये जो है मिस मार रही है। बट फिर भी हम इसको बिल्कुल इसकी आखिरी जान तक चलाएंगे और पेट्रोल जो हमारा उसका ख़त्म हो चुका है, ये आप देखो तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है एंड बाइक जो है बंद भी हो चुकी है। एक बारी दोबारा से मैं इसको सेल्फ स्टार्ट देकर स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो पेट्रोल ख़त्म है एंड ये रही हमारी टैंक और जहाँ से बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और बाइक के लिए भी 6912.4 किलोमीटर्स। तो मैं एक बारी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो गाइस बाइक चल चुकी है 6912.4 किलोमीटर्स और जब मैंने बाइक की माइलेज का स्टार्ट करा था तब बाइक चली थी 6909.4 किलोमीटर। तो हमारी बाइक लगभग लगभग चली है 3 किलोमीटर के करीब में और जब हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एंगल के आएगा, विच मीन्स हमारी बाइक की माइलेज आई है 30 किलोमीटर पर लीटर की। एंड आई थिंक ये थोड़ी सी जो है कम है, हालांकि मैंने बाइक को रफ यूसेज करी है, आज तक ट्रिपलिंग नहीं करा है, लेकिन स्टिल जो हमारी बाइक है थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज दे सकती थी। जब मैंने पहली बार माइलेज टेस्ट करा था जब हमारी बाइक नई नई थी तब अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आई थी, लेकिन अब हमारी माइलेज कम हो चुकी है। एंड अभी कम होने का रीज़न मुझे जो लगता है वो यही है कि हमारी बाइक की चेन क्लीन एंड ल्यूब नहीं हुआ, सेकेंडली टायर चेंज हो रखा है। तो ये हमारा माइलेज टेस्ट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड अगर आप बुलेट लेने की सोच रहे हो तो बाइक आपको 34 की माइलेज दे रही है, भाई क्या चाहिए, 350 cc का इंजन है, 19.8 bhp क्रिएट करती है और 28 nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, तो इस हिसाब से बाइक की माइलेज, परफॉर्मेंस, लुक्स, एवरीथिंग इज सुपर, माइंड ब्लोइंग, मतलब बम्प हार्ड। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड अपनी बाइक को सेफली एंड अच्छे से चलाया करो, ठीक है, बाय।